सो अब मैं पता क्या इस सवाल जवाब का सिलसिला करने वाली हूँ. अब मोमल, शहरोज और शहजाद, इन तीनों की आदतें ना मैंने यहाँ ईंटों के अंदर कैद की हुई है. मैं एक एक पर्ची निकालूंगी और अब तुम सब लोगों का इम्तिहान है. बिलाल, आतिफ, नशमिया, सेलिना एंड किंजा, याद हो गया? यस. ओए वाव. एक्चुअली सो अब मैं क्या करूंगी, किसी की भी कोई आदत निकालूंगी और तुम लोगों ने ये बताना है कि ये इन तीनों में से किसकी आदत है. मोमल, शहरोज और शहजाद में से किसकी आदत है. ठीक है, पहली ईंट. मैं आपको चिपा के गया. मैं आपको कोशिश करता हूँ. हाँ, एक रेलिक्स पे निकल. ओके, पेट लवर, जानवरों से कौन प्यार करता है? मोमल या शहजाद? शेरोज. तुम्हें नहीं बताया, सबने बता दिया है. सही जवाब, सबने बिल्कुल सही बताया. ओके, अब हम आते हैं दूसरी. रोड पर लड़ना, थोड़ा सा लड़ाका, रोड पे लड़ना, कौन? शहजाद, शहरोज या मोमल? I think so, मोमल. रोड पे लड़ना? No. शहरोज. मोमल. अच्छा, कौन शहरोज कह रहे हैं, कौन मोमल कह रहे हैं? चलिए, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो जवाब पता है. अच्छा, ये मैं नहीं बता सकता. मोमल. आप क्या कह रही हो? हमें नहीं, मोमल. ऐसे ही बोल रहा हूँ. आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो किंजा शहरोज. आप क्या कह रहे हो? मोमल. अच्छा, और आप क्या कह रहे हो? आप लोग मोमल का नाम क्यों ले रहे हैं? ये क्या रोड पे आप मतलब क्योंकि जो घर का डॉन है वो बाहर भी डॉन हो सकता है. ऐसा नहीं है. सड़क पे शहरोज लड़ता है. वो मैं भी नहीं लड़ता. मैं भी नहीं लड़ता. वैसे शहरोज भी है. अगर आ जाए तो हाँ ठीक है. ओके, अगला सवाल. गाइस, मैं रोड पे क्यों लड़ रही हूँ? ओके, डांस का बहुत शौक है. डांस का बहुत शौक है. आई थिंक बोथ 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 मोमल मोमल इसके बारे में बोथ इक्वली शौक मोमल को ज्यादा. हां. ओके, सही जवाब. सही जवाब. सही जवाब. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि लाइक मैंने देखा था अभी आपकी शादी पर सफीना जो है वो खड़ी हुई थी डांस करने, उनका पूरा हिस्सा ही याद था. मोमल उनको देख देख के कॉपी कर रही है. तो उसका किस्सा सुनिया. Yes. उसने उसी मोमेंट किया. बस पप्पू ने खड़ी ना, खड़ी क्योंकि पप्पू को अकेले नहीं करना था. शेरी गाना शुरू हो गया था. शेरी ने इशारा किया पप्पू को, अम्मी को, मम्मा को अकेले नहीं करना, खड़ी हो जाओ. हाँ, मुझे खड़ा कर दिया. तो हमें तो मोमेंट को बस यूं करना पड़ता है. साथ के लिए खड़ा हुई. उनको बस कॉपी कर रही थी. लेकिन क्रेडिट गोज़ टू मोमल. पता नहीं चल रहा था. पता नहीं चल रहा था. सिर्फ मेरी आंख जो है समझ गई, क्योंकि बाकी चीजें ये थी परफेक्ट करी. अच्छा, आप भी करते हो डांस वैसे? यार इन दोनों से कम. ये और जो रियल डांसर है हमारी फैमिली का, सच बताना, वो ये आतिफ शेख. आतिफ असल. और एक्चुअली जिस पे सूट भी करता है डांस, वो और अनमता. अच्छा अच्छा, खानदान का बेस्ट कुक कौन है? चलो तुम्हारी जनरेशन. हमारे खानदान में जरक भी इज वेरी गुड. जरक कौन है? जरक किंजा का बड़ा भाई. वो और आती, एक्चुअली आती उससे क्योंकि बड़ा है तो आती ने पहले, लेकिन जरक ने फिर आती जैसा ही डांस किया. और इन दोनों का डांस कि हमारी मैंने और शेरी ने जितनी भी कराची की शादियों में डांस किया ना, तो उसने टेक ओवर किया फिर हमारा. उसने इतना टेक ओवर किया कि जान ना पहचान मैं तरह हो गया. अभी हमारे सामने तुम तीनों में से मोमल को वोट गया डांस का शौक. ओके, तो क्या ये सही जवाब है? हाँ, सही जवाब. ओके ओके, बाइक चलाना, बाइक चलाने का शौक है. राइडर, ये सब हमेशा से बिल्कुल
लेकिन बहुत अच्छा राइडर है अच्छा। और हार्ले डेविडसन चलाना मजाक नहीं है मुझे क्रूज इनकी वजह से शॉक हो गया ओके हाँ जी नेक्स्ट सवाल देखते हैं तुम होस्ट कर रहे हो खड़े हुए वो मेरी हेल्प करेंगे मेरे नाखूनों से वो निकल देगा ट्रैवलिंग का बहुत शौक है किसे पूरे खानदान में शौक है कि अगर आपकी फ्लाइट है अभी इसका चोरी कर लें कार्ड तो आप फर्स्ट क्लास में घूमेंगी फ्री में इतने पॉइंट्स हैं इसके पास स्काईबर्ड माय गॉड आई लव ट्रैवलिंग में दवा जी आप मुझे कल बोलेंगे ना मोमल मैं दुबई जा रही हूँ मुझे बस कोई साथी जाएगा और हमारे मोमल के पास इतने पॉइंट्स हैं स्काईबर्ड में कि इसकी शादी के टिकट सारे ये स्पॉन्सर कर रहे हैं नॉर्मल मेरा हनीमून स्पॉन्सर कर रहा है इसके क्या वो दुबई में हो रही है हम यही सोच रहे डेस्टिनेशन वेडिंग कर लें और वो स्पॉन्सर कर दे और बिलाल क्या कह रहे हो मैं कह रहा हूं मेरा हनीमून स्पॉन्सर कर दो इतने पॉइंट्स हैं इतने पॉइंट्स हैं जो कभी मजा ले जो खर्च करे मैं अपडेट कराती हूं अपने आप को इतने पॉइंट्स अगर तुम पढ़ाई करके ले लेती तो क्या ओके हां क्या झूठ बर्दाश्त नहीं कौन है भाई झूठ बर्दाश्त नहीं आई थिंक शेयरिंग मुझे लगता है कि या वैसे किसी को भी बर्दाश्त झूठ एक ऐसी चीज है कि कोई इंसान नहीं बर्दाश्त करता मोमल को बर्दाश्त है हां मोमल तो मुझे शहरोज को नहीं शेयरिंग छोड़ा थे शहरोज लेकिन मुझे लगता है कि शहरोज को पर्सनली जहां तक मैं जानता हूं मोमल को मोमल ये क्यों जवाब ये वाला दे रहे हैं क्यों तो हमने तुमसे मिला था कि उन्होंने पूछा था किस बात पे आपका पारा कंप्लीटली आउट हो जाता हां दैट वाज द क्वेश्चन एंड इस पे मैंने कहा था झूठ क्या शूर. क्या आउट हो जाता और जहाँ रे बोलना पड़ता है मोमल बोलो घोड़ा घोड़ा घोरा घोरा घोड़ा घोड़े का बच्चा 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 घोड़े घोड़ा खाए गुड़ घोड़ा खाए गुड़ घोड़ा खाए मुझे स्क्रिप्ट में इतनी प्रॉब्लम होती है मैं जब ये और रे अटक जाती हूँ हाय हाय ओह माय गॉड अच्छा हाँ चलिए भी नेक्स्ट ये nice. क्या है ओए 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 ये तो पता है वॉचेस का शौक घड़ियों का शौक मतलब लोग जमीनें खरीदते तुम घड़ियां खरीदते हो पूरी अपनी ऐसा ही समझ ले जमा पूंजी उस पे लगाते और जफर चाचा जो है वो वॉचेस के बिजनेस में मामू देखेंगे नहीं कैसे मामू जो है बहुत कितने सालों से स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं आपको कभी घड़ी का कुछ डायल है कौन सा स्ट्रिप है सब पता है वो देख के बता खानदान में हर कोई है मतलब कंप्यूटर का काम भी है तो गैस और उसका क्या क्या वाला था ऑयल एंड गैस मतलब हर काम हम एक दूसरे को कॉल करके हल हो जाते हैं चौथे बंदे के पास जाते बस हम शादी करने खानदान से बाहर जाते आपस में हमने शादियां नहीं की यार ये वाली तभी तो खानदान जुड़ा हुआ है इसीलिए नहीं कब की ब्रेक पे जाएगा ये टॉपिक नहीं खुल सकता ये टॉपिक नहीं खुल सकता क्या कभी जरूरत मतलब लाइक किसी ने फोर्स करने की देखिए बचपन में तो सबके रिश्ते बने नेदावा जी ब्रेक पे जाए आप मैं आपको बता रही हूँ ब्रेक पे चली जाए सामने को मुझे कहते हैं जी हीरा मानी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू